गल्फ जॉब की कहानी। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे गल्फ जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ। गल्फ का मतलब उन तमाम देशों जिसका नाम आप सुनते आ रहे हैं, जैसे मैं बात करूँ दुबई की, मैं बात करूँ सऊदी की, इन तमाम देशों में अगर जॉब की क्राइटेरिया को देखा जाए, जॉब की परिस्थितियों को देखा जाए, तो मैं आज इस पर चर्चा करने वाला हूँ और वह रियल कहानी बताने वाला हूँ कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, क्या आप वास्तव में गल्फ में जॉब करना चाहते हैं? अगर नंबर गल्फ में आपको जॉब करना है, ठीक है, ये पहले डिसाइड कर लो, ठीक है। अगर आपका आंसर एस आता है, हाँ मुझे करना है, अगर जवाब एस में है, यानी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है, तो आपको क्या करना है? अगर वो हो गया, अगर आपको गल्फ में जॉब नहीं करना है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो से बाहर चले जाएं, आपका टाइम वेस्ट होगा और मैं नहीं चाहता कि किसी का टाइम वेस्ट हो। मैं खुद भी नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो और आपका भी टाइम मैं नहीं चाहता कि वह वेस्ट हो। तो यदि गल्फ में आप जॉब करना चाहते हैं, बिल्कुल आपने डिसाइड कर लिया है, बिल्कुल आपने डिसीजन ले लिया है, अगर ऐसे है तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट स्टेप, कोर्सेज। अब यहां पे वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिससे जा सकते हैं? वैसे तमाम तरह के कोर्सेज हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा वह जो कोर्स है वह कुछ कोर्सों के नाम। इलेक्ट्रिशियन, नंबर चार क्या आएगा आपका, वेब डेवलपर, ओके, साइबर सिक्योरिटी। कोर्सेज बहुत सारे हैं होते हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वह बात करूंगा हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। हेल्थ एंड सेफ्टी जॉब स्पेशली फॉर गर्ल, उसके बाद फायर एंड सेफ्टी स्पेशली फॉर गर्ल, उसके बाद से अगेन हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिशियन, वेब डेवलपर और साइबर सिक्योरिटी। ये पांच कोर्सों को मैंने आज टारगेट किया है, आज इन पांच कोर्स के ऊपर ही मैं बात करने वाला। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर इनमें से अगर आपने हेल्थ सेफ्टी का कोर्स कर लिया, ओके, अपने आंसर रखते रहिएगा, फायर सेफ्टी का कोर्स कर लिया, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लिया, वेब डेवलपर का कोर्स कर लिया और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, राइट? यदि आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद क्या आपको जॉब मिला? जॉब इन गर्ल मिला कि नहीं सर? जॉब मिला? यदि जवाब हाँ है तो फिर निश्चित रूप से आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी तैयारी में बेहतर। आपको बहुत ज्यादा काम मालूम, ठीक है, आप बना लेते हो, वायरिंग कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, क्या लगता है आपको, आपको जॉब मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप इंडिया में तो काम कर सकते, लेकिन गल्फ के देशों में आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि गल्फ देश में जो चीजें चेक की जाती हैं, जो डिमांड में है, वह दो चीजें हैं। पहला तो आपका वर्क नॉलेज क्या है, ठीक है, वर्क नॉलेज है आपको, आपको प्रैक्टिकल की बात पूरी बात मालूम है, आप पूरा अच्छा तरीके से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन जब उसके अलावा जब कुछ चीजें और होती हैं जो गल्फ में देखी जाती, जैसे आपकी स्किल की बात हो, ठीक है, आपकी एजुकेशन की बात हो गई, अब पता चला कि आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, आपको बहुत ज्यादा मास्टर आ है और पता चला आप फेल हैं, तस्मीन क्या है, फेल है, केवल आठ तक आपने पढ़ाई की। आप सोचिए
बहुत अच्छी तरह से आपको काम आता है, आपके काम में कोई दिक्कत नहीं है बेशक आप सारा काम कर लेंगे, है ना, आप काम तो कर लेंगे, आपको वायरिंग दे देंगे, आप काम कर लेंगे, आप डोमेस्टिक वायरिंग सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन की बात आई, जैसे ही पेपर वर्क की बात आई, तो क्या होगा सर, उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जब रिजेक्ट कर दिया जाएगा सर, तो कंपनी ना तो आपको वीजा देगी और ना तो आपको टिकट। क्लियर हुआ सर? अब मैंने एक एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का एग्जांपल लिया, और इलेक्ट्रिशियन का एग्जांपल देने के बाद यही चीजें अप्लाई होती हैं अदर जॉब में, अदर नौकरियों में भी। कैसे अप्लाई होगी? अगर मैं बात करूं हेल्थ एंड सेफ्टी की, अगर मैं बात करूं फायर एंड सेफ्टी की, तो उसमें भी देखा जाएगा कि वर्क नॉलेज क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, राइट। वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपका चेक किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपकी फाइलें, जो मुझे पेपर चाहिए, लीगल पेपर, दो तरह के पेपर होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेपर आर अवेलेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दो तरह के पेपर है, एक लीगल होगा और एक इलीगल होगा, यानी एक पेपर वैध होगा, दूसरा पेपर अवैध होगा, दूसरा पेपर अवैध होगा। अब सर वैध पेपर क्या है, लीगल पेपर क्या है, इसे आप लीगल में रहे, लीगल पेपर और इलीगल पेपर, ये क्या होगा सर, दो पेपर है आपके पास। अब तो ये डिसाइड उस समय होगा जब आपकी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, जब हम लोग इंटरव्यू की में देखते हैं, जब डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, तो मोस्टली हम लोग पाते हैं क्या, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं, यानी फर्जी होते हैं। तो जब आपका डॉक्यूमेंट फर्जी होगा, जब आपका सर्टिफिकेट फर्जी होगा, जब आपका वर्क एक्सपीरियंस फर्जी होगा, तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आज के समय में आप गल्फ में जा सकते हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए, आप नहीं जा पाए। और आप उसके बाद कहते हैं कि सर मैंने तो हेल्थ सेफ्टी का कोर्स किया, मैंने तो फायर सेफ्टी का कोर्स किया, मैंने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, मैंने तो वेब डेवलपर, बहुत सारे वेब का काम किया मैंने, बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए, फिर भी मैं रिजेक्ट हो गया, क्यों? बेशक आपका कहना सही, बेशक आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, लेकिन सवाल ही पैदा होता है सर कि इतना होने के बाद भी अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो एक बार कंसिडर जरूर करिए क्या क्या हो सकता है, या तो आपके जो कागजात हैं वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गलत आपने किया, जो कंपनी की डिमांड है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वो आप पूरा ही नहीं कर पा रहे, और जब पूरा नहीं कर पाओगे तो सर आपको जॉब नहीं देगा, कोई जॉब नहीं। तो केवल कोर्स कर लेने से आपको जॉब नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा जॉब? आपको तीन चीजें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज है कि मैं बात करूं तो आपका वर्क नॉलेज तो होना ही चाहिए, एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, अगर फ्रेशर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आपके सर्टिफिकेट जो होने चाहिए वो उस वेरीफाइड होने चाहिए। कौन सी वेरीफाइड होनी चाहिए? जो अगर इंडिया गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ जो नेशनल गवर्नमेंट जो हमारा रूल्स बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग वो रखते हैं लोगों को, चाहे गवर्नमेंट की है या प्राइवेट की, तो हर जगह उनका कुछ क्राइटेरिया है, अगर उस पे आप खरा उतरते हैं तो डेफिनेटली आपको वो जॉब के लिए ले जाएंगे। अगर मैं बाहर के देश की बात करूं तो यूएई ने कुछ नॉर्म्स बना रखा, गल्फ कंट्री में जगह जगह इसके लिए कुछ नियम और कानून बनाए, उस कानून पर भी आपको खरा उतरना पड़ेगा। अगर उस कानून पर खरा उतरते हैं, आप चीजों को कर पाते हैं, तो मैं 110% की गारंटी दे सकता हूं कि आप पहली बार में गल्फ जा पाए। आज बहुत से लोगों का, बहुत से बच्चों के पहचान आते हैं कि सर मैं इंटरव्यू को दे रहा हूं लेकिन मैं फेल हो जा रहा हूं, क्लाइंट से इंटरव्यू हुआ, क्लाइंट के सामने इंटरव्यू हुआ, क्लाइंट ने कहा एकदम तुम आज जा रहे हो,
उसके बाद ना तो मुझे मेल आया, ना तो मुझे कोई कॉल आया, कुछ भी नहीं सर। उसके बाद भी आज परेशानियां बन गई। अब क्या, अब जब इस तरह की सिचुएशन आएगी सर, तो डेफिनेटली कुछ तो है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत है। कोई इंटरव्यूअर आपके सामने ये नहीं कहेगा कि हाँ आप सेलेक्ट कर लिए गए हो, आपको मैं वीजा अभी दे रहा हूं। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ रहिए। सर्टिफिकेट जहां से भी आप पोस्ट करें वहां का सर्टिफिकेट वेरीफाइड होता है कि नहीं, काउंसिल वेरिफिकेशन होता है कि नहीं, ये ऑनलाइन मोड में या फिर आप एक क्लिक पर उसे वेरीफाई कर पाते हैं नहीं, सीआरआईडी है या नहीं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लीजिए। उसके बाद पता चला कि आपने कोर्स तो कर लिया, लेकिन जहां से आपने कोर्स किया वहां पे इस तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरह की कोई बात ही नहीं आ रही है। और जिस दिन आप जॉब के लिए जाएंगे सर, एक प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा। हजारों कैंडिडेट, हजारों स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको अब इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो सिर्फ आप SST इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। वहां इन तमाम चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जो बातें होंगी बिल्कुल क्लियर होगी, जो बातें होंगी बिल्कुल क्लियर होगी, ओरिजिनलिटी के साथ होगी और वेरीफाइड के साथ, वेरिफिकेशन काउंसिल वेरिफिकेशन। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपने इन सब चीजों को देखा होगा, समझा होगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जरूर हाजिर होते हैं कुछ नए क्वेश्चन का जवाब लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए और कोशिश जारी रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।